अभी के टाइम में कोरोना वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में जो आप कोरोना वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आपको ट्रेन में या कोई कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ जाता है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ टीटी आपको फाइन मार देता है, या कोई कंपनी में आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पर बोलता है कंपनी के ऑनर मालिक कि आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट है या नहीं, या आप कहीं फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, विदेशों में जाने की सोच रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोरोना वैक्सीन का, वो भी फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज का। तो आप जो है इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से अभी के टाइम में कोरोना जहाँ पे कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगता है, सुई लगता है, वहाँ पर कितना भीड़ होता है। सूरज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पे कितना भीड़ होता है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में खूब मज़ा मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ है वैक्सीन जो ले रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो वैक्सीन ले रहा है इसका इतना लंबा चौड़ा भीड़ है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा, यहाँ पे आदमी वगैरह बाइक वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना लंबा यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, वो कितना समझ सकते हैं कि कहाँ पर ये है गेट और कहाँ पर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अभी के टाइम में जो है वैक्सीन जो है कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आप समझ सकते हैं। तो मैं इस पर एक वीडियो बना रखता हूँ, जो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से अगर आप वैक्सीन ले लिए हुए हैं तो आप सर्टिफिकेट कैसे निकालेंगे। और मैं आपको ये भी बताया हूँ कि आप जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस सब में मैं पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे निकालेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उस सब को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आइएगा तो यहाँ पर आपको टाइम भी बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है किसी को होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी खबर मिला है कि वैक्सीन जो है ख़त्म ही होने वाला है। तो 10-20 बचा हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पर वो हल्ला होगा। ठीक है, आपने देखा कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पर कितना भीड़ होता है, आदमी का मारा मारी होता है वैक्सीन लेने के लिए। पहले था 4-5 महीने पहले कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, और अभी के टाइम में जो है हर इंसान को कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन चाहिए। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।